सिंगल टेक में तेरे को ढेर कर देंगे। तूने मेरा वो चैलेंज भी नहीं लिया जिसमें मैंने हाथ बांध के बोला था। और यहाँ पे भाई इनके कंटेंट टू बी प्रोड्यूस बाय क्रिएटर, बिकॉज उसमें बहुत खर्चा होता है भाई, नॉट जस्ट द टायर्स, सिर्फ इंडिया में भी बहुत खर्चा होता है। मूत दिया तुम्हारे जोय ज्योति पे 50 लाख का। दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि अरमान मलिक अभी दुबई गए हुए हैं, तो वो हाल ही में युगिरियो सेवन राइडर को बॉक्सिंग को लेकर रील पोस्ट की है और युगिरियो सेवन राइडर को बॉक्सिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं। आप भी देखिए इंस्टाग्राम पर वो क्या। राइडर कहाँ छुप के बैठा बेटे, मैं स्पेशली दुबई आया हूँ बॉक्सिंग सीखने और सिंगल टेक में तेरे को ढेर कर देंगे। तूने मेरा वो चैलेंज भी नहीं लिया जिसमें मैंने हाथ बांध के बोला था। और यहाँ पे भाई इनके टीम के एक दो लोग हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं। मैडम कहाँ तुम्हारा बॉक्सर? सर हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, हमें नहीं पता वो बॉक्सर कहाँ चला गया, कौन से बिल में जाके छुप गया है, माफी चाहते हैं। चूड़ियां तो नहीं पहन ली उसने? मुझे ऐसा लग रहा है चूड़ियां तो पहन ली है उसने 1001%। तो एक बात और बोलना चाहूंगा, जगह जगह मीटअप कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता तू अपनी शक्ल कैसे दिखा पाता वहाँ पे। मतलब तूने पूरे सोशल मीडिया पे चैलेंज किया था कि आ मुझसे लड़, मैं अकेला नहीं हूँ, अब तो बहुत सारे लोग हैं, किसी से तो लड़ ले, शर्म कर ले थोड़ी सी। मैडम एक काम करना, मेरे बैग में ना चूड़ियां लेके आए, उसको देना जाके। सर मुझे अभी दे दो, जैसे वो बिल से बाहर निकलेगा ना सबसे पहले चूड़ियां ही पहनाऊंगी उसे। तो भाई हाथ बांध के देखो, ऐसे हाथ बांध के बॉक्सिंग करेंगे यूके के साथ, तो ये वीडियो उस नकली को पहुंचा देना। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में आप मुंबई का निकल को काफी ज्यादा देखते होंगे, तो अभी वो मोटो व्लॉगिंग नहीं करते हैं जिसके पीछे काफी मेहनत लगती है और वो चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती है जो वीडियो में करते हैं। जहां भी वो मोटो व्लॉगिंग क्यों छोड़ दी है, आप भी देखिए वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर क्या खाए। You know, I think people who ride motorcycle and create content, motor vlogs or travel vlogs, le lo, I think that is one of the most expensive content to be produced by a creator because usme bahut kharcha hota hai bhai, not just the tires, sirf India mein bhi bahut kharcha hota hai. Aap travel karte ho, hotel lete ho, usme accessory lete ho, phir thakte ho, neend nahi milti, sar dukhta hai, and especially jo international ride karke aaye, maine dekha bahut sare log international gaye, Europe gaye, Asia gaye, world ride bhi kar rahe hain, matlab bahut kharcha hota hai, and they don't get the right amount of views because there is no controversy, there is no drama, and jo karte hain lafda, no hate to anybody, but they get the views, it's the audience, and then लोग फिर उसमें ना compare करते हैं, अरे देखो देखो इसको ये करके 2 मिलियन आ रहा है बेचारा, ये करके ये 50,000-40,000 पे अटका हुआ इंटरनेशनल राइड कर रहा है। कोई बेचारा नहीं है, मैं भी जो जा रहा हूँ व्यूज़ के लिए नहीं जा रहा हूँ, आई लाइक राइडिंग, आई लाइक ट्रैवलिंग, दैट्स माई पैशन। मैं बड़ा हो जाऊँगा, स्काई बड़ी हो जाएगी, मैं 60-70 का हूँ तब भी मैं करूँगा, यूट्यूब नहीं होगा तो इट्स जस्ट दैट आई कैन गेट माई पॉकेट मनी आउट ऑफ यूट्यूब टू डू ऑल दैट, थोड़ा बहुत पैसा निकल जाता है। बट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स कि अभी मैं इतना ज़्यादा क्यों नहीं करता ये। देखो फैमिली हो गई है अभी, ये करना जो लोग करते हैं उनको मालूम है, मैंने 2-3 दिन राइड किए नॉन स्टॉप, मेरा वीडियो 27 आवर्स ऑफ राइडिंग फलाना ढिमकाना, मैं बैंगलोर जाके एक दिन में वापस आया हूँ, मैंने अपने आप को इतना एक्सट्रीम लेवल पुश किया, अब हो गया, अब मुझे कुछ किक मिलना चाहिए। एज आई सेड उस टाइम में व्यूज नहीं आते तो चीप चीज़ के लिए बाद में आए, आई वॉन्ट समथिंग मुझे किक मिले, किक मुझे मिलता है ये सब इंटरनेशनल में जाके एक्सप्लोर करके, उन लोग का गाँव पहाड़ पानी वो करूँगा मैं। देखो मैं जैसे आपको मोटिवेट करता आया हूँ, मुझे वही करना है, मुझे अपनी एक लड़के की ज़िंदगी को प्रोड्यूस करके बताना है कि देखो भाई ऐसा सा जीता आदमी, सिर्फ ये कंटेंट काम कर रहा है उसके लिए नहीं करना। आई वांट टू शोकेस माय लाइफ, आई थिंक पुराने वीडियोस देखो भी, दैट इज़ द होल रीज़न आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, बिकॉज आई लव मेकिंग वीडियोस, आई वांट डॉक्यूमेंट माय एंटायर जर्नी, राइडिंग इज़ अ पैशन एंड नाउ फैमिली इज़ माय लाइफ, सो दोनों चीज़ दिखाता रहूँगा। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में अभी तक काफी सारे पॉडकास्ट आप देख चुके होंगे, तो रिसेंटली आशीष चंचला ने पॉडकास्ट को लेकर एक रील पोस्ट की है जिसमें वो ट्रोल करते नजर आए, आप भी देखिए। वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। आपको क्या लगता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट? मुझे लगता है आप पर्वर्ट हो। कैन समवन हेल्प मी प्लीज, टेल मी समथिंग दैट blows your mind. The fact that my chest is the back of my back, but my back is not the chest of my chest. I am getting chest bumps. I'm scared. जिंदगी में सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? Expectations. My father. My father's expectations. Expected goosebumps. Are you stupid? अपनी माँ के बारे में चंद शब्द। माँ के बारे में, I think माँ, she's the wife of my father. Unique and beautiful. Can
कैन आई गो होम प्लीज। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में राजा दलाल और जॉय ज्योति के बीच कंट्रोवर्सी काफी टाइम से चल रही थी। तो यहाँ जॉय ज्योति का कहना है कि राजा दलाल ने उनसे ट्रेनिंग और प्रोडक्ट के नाम पर स्कैम किया है, जहाँ जॉय ज्योति ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया था पर वो उन्हें रिसीव नहीं हुआ। तो इस जगह पर राजा दलाल का कहना है कि उन्होंने प्रोडक्ट भेजा था, अब बंदे को रिसीव नहीं हुआ तो उसमें उनकी क्या गलती, वो तो कुरियर वाले की गलती है। तो बताया जा रहा है कि जॉय ज्योति को प्रोडक्ट मिल गया था, तो कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है। तो रिसेंटली रजत दलाल ने 50 लाख का केस कर दिया उनके ऊपर। आप भी इंस्टाग्राम स्टोरी देखिए रजत दलाल क्या कहे। ये मैंने मूत दिया तुम्हारे जॉय ज्योति पे 50 लाख का, जा बहुत दिन प्यार से संभाला था। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में न्यूज बॉय ने ध्रुव राठी को लेकर ट्वीट करते हुए कहा, कल अंकल आंटी का एनिवर्सरी था, मेरे मामा भी आए हुए थे, फिर बात बात में उन्होंने मुझसे बोला कि ध्रुव राठी तो आजकल पॉलिटिकल वीडियोस बनाने लगा है ना। मैंने फिर सोचा शायद उनको ध्रुव राठी का डिक्टेटरशिप वाला वीडियो के बाद ज्यादा रिकमेंड हुआ होगा। मैंने फिर उनको बोला कि हाँ पर कुछ कुछ चीजें गलत बताता है, तो उन्होंने मुझसे पूछा जैसे। मैंने फिर उनको बोला वो जर्मन शेफर्ड है। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में राजनाथ सिंह को लेकर टाइम्स एल्जेब्रा ने ट्वीट करते हुए कहा, जिसमें ध्रुव राठी का भी फोटो ऐड किया और ये है ब्रेकिंग न्यूज, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गॉट इमोशनल इन रजत शर्मा आपके अदालत शो, राजनाथ सिंह सम कॉल अस डिक्टेटर्स, व्हेन आई वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग इमरजेंसी माय मदर केम टू सी मी, शी आस्क्ड मी टू नॉट बो डाउन, वन ईयर पास्ट शी होप दैट राजनाथ वुड नाउ डेफिनेटली कम आउट, व्हेन शी हर्ड दैट माय जेल टर्म वाज एक्सटेंडेड शी सफर्ड ब्रेन हेमरेज एंड वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, शी डाइड अबाउट 28 टू 30 डेज लेटर, आई कुड नॉट इवन मीट हर ड्यूरिंग हर फाइनल डेज। व्हाइल नरेटिंग दिस इंसिडेंट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैड टीयर्स इन हिज आईज। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में अंजलि अरोरा को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई, मतलब कि अंजलि अरोरा को रामायण में माता सीता का रोल दिया जा रहा है। तो इस चीज को लेकर सम्राट भाई ट्वीट कर ये लिखे, टीआरपी के लिए मेकर्स किस हद तक गिर सकते हैं, हर बार की तरह इस बार भी हिंदू आस्था का मजाक बनाने का मौका ढूंढ लिया है इन्होंने। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अंजलि अरोरा ने काचा बादाम सॉन्ग पर डांस किया था, तो इसलिए इनके ऊपर ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। साथ ही इंजीनियर रिवील भी ट्वीट करते हुए ये लिखे, इसके डायरेक्टर कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को शायद उतारती लेने में मजा आता है, कोई भी आंडू पांडू मुंह उठाकर रामायण बनाने चलाता है, एक कानून बनाना चाहिए ताकि कोई भी अरगेरा रामायण पर फिल्म ये सीरीज ना बना दे। ऐसे लोग जानबूझकर कंट्रोवर्शियल लोगों को कास्ट करते हैं ताकि फ्री पब्लिसिटी मिल जाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता।